आपको प्रेरणा मिली कि आप अपने जीवन को धार्मिक जीवन जीने के लिए बलिदान कर दिए, ताकि आप गरीबों एवं अनाथों की सहायता कर सके। आप सिस्टरों के प्रेम उनका साधारण जीवन प्रार्थनामय और उनके स्कूल एवं गाँव के मिशनरी कार्य के लिए बहुत प्रभावित हुए। उसी दौरान आपको सिस्टर मरियम मिच ने प्रेरणा दी और JMJ रांची में आई, जो आपके चर्च के कॉन्वेंट के भीतर था, जो कि आप अपनी ETC पूरी कर चुकी थी और आप अपना पूरा समय जीवन और कर्म के लिए प्रार्थना किया करते हैं और प्रार्थना के साथ समय माता मरियम से प्रभावित हुई और अपने 1995 में JMJ सोसाइटी ज्वाइन की है। JMJ में जीवन का अनुभव आपको JMJ कम्युनिटी में खुशी या गम का मिला जुला अनुभव है, लेकिन आपको कम्युनिटी में हमेशा आप अपने सिस्टम का प्रेम सहायता और साहस का अनुभव प्राप्त है। आपको अपने अध्ययन के लिए तथा स्वयं के विकास के लिए बहुत अवसर मिले, जिसके लिए आपको बहुत आभारी है। ये सभी अनुभव आपको मजबूत बनाया और आपके धार्मिक जीवन में ईश्वर से बहुत करीब लाया। आप अपनी सेवा एवं शिक्षक के रूप में बहुत सी जगहों पर किए। 1999 से 2004 तक राजनांदगांव में टीचर, 2004 से 2009 तक रांची में टीचर, 2010 से 2013 तक रायपुर में टीचर, 2013 से 2015 तक आलेख में टीचर, 2015 से अब तक छापरा में आप एक शिक्षक एवं सुपीरियर के रूप में सेवा दे रही हैं। आपको अपने घर जीवन के माध्यम से आपके सामने सपने एवं योजनाएं पूरी हुई और आप गरीबों एवं जरूरतमंदों की सेवा करते हैं। जीवन परिचय सिस्टर मधु खेस। सिस्टर मधु खेस का जन्म 20 मई सन 1974 को छत्तीसगढ़ के दुर्गाकर गांव में हुआ था। यह गांव पहाड़ों, नदियों, झरनों तथा चर्चों से घिरा हुआ है। वह जगह छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े चर्च कैथेड्रल ऑफ आवर लेडी ऑफ द रोजरी के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि जशपुर डायसिस में पड़ता है। यह जगह कई व्यवसायों से भरा हुआ है। यहाँ के लोग शिक्षक एवं धर्म के प्रति जागरूक एवं क्रियाशील हैं। सिस्टर मधु खेस के प्यारे परिवार में उनके पिता श्री श्रील केस, जो एक सरकारी शिक्षक थे, माता स्वर्गीय रोजालिया केस, बड़े भाई मुकेश केस तथा छोटे भाई अनेक केस हैं। सिस्टर मधु अपने परिवार में एक लौकी बेटी है, इसलिए ईश्वर की असीम इच्छा यही थी कि सिस्टर मधु केस को अपने दरबारी में बुला लिया। सिस्टर मधु केस की पढ़ाई लिखाई जुमाई केला पैरिश में हुई, जो कि डॉन बॉस्को धर्म समाज द्वारा संचालित होता है, और उसकी हाई स्कूल की पढ़ाई गिना बहार में हुई, जो कि
क्रॉस सिस्टर के द्वारा संचालित है। बीएड की पढ़ाई सेंट विक्सन पलोटी कॉलेज नागपुर में हुई, जो कि पलोटाइन फादर्स के द्वारा संचालित होता है। आपको धर्म जीवन जीने की प्रेरणा अपने माता पिता और धार्मिक सिस्टरों से मिली, जहां आप अपना अध्ययन किया करती हैं। आपको जेएमजे में होने में खुशी है एवं जेएमजे कम्युनिटी से बेहद लगाव है। सिस्टर मधु खेत जहां काम की है 1999 एक साल दिल्ली में नर्सरी टीचर 1999 से 2000 तक बीएड की पढ़ाई रायपुर में 2001 से 2002 तक बाहू नगर में की है 2005 से 2013 तक जेएमजे स्कूल रांची में हेडमिस्ट्रेस और टीचर 2013 से 2014 तक फिलोसॉफी एवं कॉमर्स कैंडिडेट मैसूर में 2014 से 2017 तक कैंडिडेट पर इंचार्ज 2017 से 2018 तक सेंट जोसेफ स्कूल गिरिडीह में टीचर 2018 से होली फैमिली स्कूल छपरा प्रिंसिपल। सिस्टर मधु केस जेएमजे समाज में रहकर खुश है और अपने संपूर्ण लगन एवं सेवा माध्यम के द्वारा ईश्वर के प्रेम को लोगों तक बांटना चाहती है। तो आइए इसका बलिदान द्वारा इन दोनों संगठनों के लिए प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साथ आप सबों को प्राप्त हो। हमारे लिए और यहाँ के लिए बड़ी खुशी और आनंद का दिन है। खुशी और आनंद इसलिए है कि हम यहाँ तीन जन सिस्टर आनी, सिस्टर मधु और फादर मोसेस समाज में और डायसिस में 25 साल का जुबली पर्व मना रहे हैं। यह जुबली पर्व एक अनोखा अनुभव है, खुशी का अनुभव है और साथ ही साथ ईश्वर को और हम सब उन सबों को इन सबों को धन्यवाद देने का अवसर। इस अवसर पर मैं छोटा सा ये घटना नहीं सच्चाई को बताता हूं। यहां वहां दो नदी समुद्र है, सी ऑफ गैलिली एंड सी ऑफ रेड सी। रेड सी लाल समुद्र कहते हैं और सी ऑफ गैलिली गैलिलिया की समुद्र कहते हैं। दोनों में अंतर है, दोनों ही समुद्र है लेकिन दोनों समुद्र एक ही समान नहीं है। एक समुद्र जो सी ऑफ गैलिली जो जीवन देने वाला गैलिली समुद्र कहते हैं और जो रेड सी है वो बंजर भूमि के समान है जहां आसपास में कोई हरियाली नहीं दिखती है। अब जो सी ऑफ गैलिली है वो आसपास में पूरा हरियाली से भरा हुआ है और नाना प्रकार के फलों के पेड़ से लोगों को फल प्राप्त प्रदान करते हैं।
जीवन देते हैं, लोगों को खुश हो करते हैं, वो हरियाली देख के सब लोग खुश हो जाते हैं और हजारों हजारों लाखों लोग वहाँ जाते हैं पिलग्रिम करने के लिए, देखने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए, वहाँ जगह देखने के लिए, वहाँ आसपास में पिकनिक मनाते हैं। अब इधर ये समुद्र जो लाल समुद्र कहते हैं, वहाँ कोई नहीं जाता है क्योंकि वहाँ आसपास में कुछ हरियाली नहीं है, एक मरुभूमि की जैसा है, सूखापन, अकेलापन और बहुत बड़ा बहुत बंजर भूमि की जैसा। तो वैसा ही है जुबली पर्व है। जुबली पर्व में हम लोग जो सिस्टर लोग और फादर जो गलीलिया के सी के समान है, सबको खुश करते हैं क्योंकि आपने 25 साल से इन सब सिस्टर और फादर ने अपना जीवन दूसरों को प्रेम करने में बांटा, प्रेम बांटा। ईश्वर प्रेम है और ईश्वर का प्रेम इन सबों ने अनुभव किया इन 25 साल में, और 25 साल के इस अवसर पर उन लोग सबों को प्रेम बांटते गए। तो इसलिए सब हरियाली इनके जीवन से दूसरों को प्राप्त हुआ। नाना प्रकार के फलों से इनका मेहनत का फल, मेहनत का फल से दूसरे खुश हुए। दूसरों ने अपने जीवन में अनेक फायदा प्राप्त किए हैं, लाभ प्राप्त किए हैं। तो इसलिए आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन तीनों के नाम से ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि संत पिता फ्रांसिस कहते हैं कि जो इन लोगों की अचीवमेंट नहीं है उसको गिनती नहीं करती है। अगर इन लोग 25 साल में इतने काम किए हैं तो इनका अचीवमेंट उपलब्धि नहीं है, बल्कि ईश्वर की कृपा इन हर एक व्यक्ति के जीवन में काम कर रहा है। अगर ईश्वर की कृपा इनके जीवन में नहीं था तो इन लोग कुछ नहीं करते, कुछ नहीं कर पाते, कोई उपलब्धि नहीं होती। अगर इतना काम हुआ है, उपलब्धियां प्राप्त की है, तो ईश्वर इनके द्वारा काम कर रहा है, ईश्वर की कृपा है। तो आज हम लोग सर्वप्रथम इनके नाम से हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, साथ ही साथ हम लोग फादर को, आप दोनों सिस्टर, सिस्टर आनी और सिस्टर मधु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु की सेवा में समर्पित किया है, अपना जीवन और सब कुछ प्रभु के लिए दान किया। तो इसी का फल प्रभु भी उनको दान करते हैं, नाना प्रकार से प्रभु उन लोगों को सहयोग करते हैं, नाना प्रकार से प्रभु इन लोगों को कृपा से भर देते हैं, आशीर्वाद से भर देते हैं, ताकि उन लोग अनेक फल उत्पन्न करें, जिस तरह वो गलीली की सी के समान अनेक फल उत्पन्न करें। यहाँ इन लोग ईश्वर की अनेक कृपा वरदान के द्वारा अनेक फल उत्पन्न करें, ताकि लोग जाने ये बचे हुए चुने हुए व्यक्ति है, लोग जाने और देखें कि ये ईश्वर के विशेष चुने हुए व्यक्ति है। तो आइए आज हम लोग इस मिसा बलिदान में हम लोग सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद दें और साथ ही साथ हम लोग फादर को और दोनों सिस्टर को धन्यवाद दें अपने काम के लिए, अपने त्यागमय जीवन के लिए और समर्पित जीवन के लिए। और साथ ही हम लोग प्रार्थना करें ताकि ईश्वर उन्हें हमेशा खुश रखें, लंबी उम्र दें और हमेशा ईश्वर लोगों को साथ देते रहें, जिस तरह उन्हें साथ दिया है दुख में सुख में, सब समय ईश्वर का साथ उन्होंने अनुभव किया अपने जीवन में, वैसे ही आने वाले दिनों में भी ईश्वर उन्हें साथ दे, सहयोग दे, आशीर्वाद से भर दे, ताकि ईश्वर का या आशीर्वाद कृपा उनके जीवन में आने वाले दिन में काम करे। आइए हम लोग इन दिनों के लिए भी प्रार्थना करें अपने मिसा बलिदान में, और साथ ही साथ हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दें और इस मिसा बलिदान में हम लोग उनके विशेष मतलब, जो आज उन लोगों का विशेष मतलब होता अपने मन में, उस मतलब के लिए, मतलब पूरा कर पूरा होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। अभी हम लोग अपने पापों को याद करें
हमारी गलतियों को याद करें, आप प्रभु से क्षमा मांगे, पश्चाताप करें और क्षमा मांगे, और हम लोग एक साथ बोले हे भाई और बहनों, माय सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं मन करने से और पाप किया है, इससे मैं नित्य कौन मरियम से सब दूतों सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
उमंग के साथ तेरी सेवा कर सके। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4
पद संख्या 409। आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहे। मैं फिर कहता हूँ प्रसन्न रहे। सब लोग आपकी सौम्यता जान जाए। प्रभु निकट है, किसी बात की चिंता ना करे। हर जगत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे। और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। भाइयों, अंत में यह जो कुछ सत्य है, आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है, निर्दोष है, जो कुछ प्रीतिकर है, मनोहर है, जो कुछ उत्तम है, प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय है, ऐसी बातों का मनन किया करें। आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुना और मुझ में देखा, उसके अनुसार आचरण करें और शांति का ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाइए हालेलुया। तूने जिन लोगों को संसार से चुनकर मुझे सौंपा, उन पर मैंने तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे, तूने उन्हें मुझे सौंपा और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया है। अब वे जान गए हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है वह सब तुमसे आता है। तूने जो संदेश मुझे दिया, मैंने वह संदेश उन्हें दे दिया। वे उसे ग्रहण कर यह जान गए कि मैं तेरे यहां से आया हूं और उन्होंने यह विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूं कि मैं संसार के लिए नहीं बल्कि उनके लिए विनती करता हूं जिन्हें तूने मुझे सौंपा है, क्योंकि वे तेरे ही हैं। जो कुछ मेरा है वह तेरा है और जो तेरा वह मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमावित हुआ। यह प्रभु का सुसमाचार है। आदरणीय पादरगण, सिस्टरगण,
और सभी जुबलेरियन, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, भाइयों बहनों और सभी सज्जनों, सिल्वर जुबली या रजत जयंती सचमुच किसी पुरोहित या धन भाई या धन बहन और उसकी संस्था के सदस्य के लिए एक अनोखी घटना है। एक यादगार का दिन है, कभी हम लोग इसको भूल नहीं सकते। उसके लिए और हमारे लिए ये आनंद उत्सव का दिन है या समय है या ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक अवसर है। जो व्यक्ति सिस्टर या पुरोहित जो रजत जयंती मना रही है रहे हैं कि वह अपने 25 सालों के बारे में चिंतन करने का सुअवसर है, ताकि वह ईश्वर को उसके महान कार्यों के लिए धन्यवाद दे। जिस प्रकार मां मरियम का हृदय प्रभु ईश्वर में आनंद मनाता है, उस महान कार्य के लिए जिसकी उसने अपने जीवन में कल्पना भी नहीं की थी, प्रभु ने उस पर अपनी कृपा प्रकट की है, उसके लिए वह ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम सबको भी रजत जयंती मना रही दोनों सिस्टर और हमारे पुरोहित के साथ मिलकर ईश्वर का गुणगान एवं स्तुति करते हैं, क्या करना चाहिए, केवल इसलिए ईश्वर को याद ना करें ताकि उसने 25 सालों तक उस पर अपनी विभिन्न कारणों से वर्षा की है, परंतु ईश्वर ने उस मनुष्य के द्वारा दूसरों का कल्याण किया है, दूसरों की अच्छाई की है, दूसरों को प्रेम दिया है। ईश्वर के इस महान अनुग्रह के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हम दोनों सिस्टर और हमारे पुरोहित भाई को भी धन्यवाद देते हैं, इतने वर्षों से उसने हमारे कलीसिया में लोगों की सेवा की। एक छोटी सी कहानी है, रूसी लेखक दोस्तोयेवस्की की एक सुंदर कहानी है। एक फ्लावर, एक फूल, एक व्यक्ति जंगल के पास मैदानी इलाके में जा रहा था। वहां उसने एक नील रंग का एक सुंदर फ्लावर को देखा। वह फ्लावर उसके लिए नया था, विशेष या अनजान था, वैसा लग रहा था कि उसके लिए ही उस फूल का उदय हुआ इस धरती पर। उसने उसे तोड़कर अपने हाथों में ले लिया और गांव की ओर से आने वाली तब गांव की ओर से आने वाली दो लड़कियों को आते हुए देखा जो उसकी ओर आ रही थी। उसे देखते ही लड़कियों ने कहा, धन्यवाद। उसने पूछा, किस बात की? आप जब फूल लेकर हमें रास्ते में मिले हैं ना? उन्होंने जवाब दिया। उसको लगा कि लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही थी। कुछ दूर चलने पर एक बूढ़ी स्त्री मिली, उसे देखकर वहां रुक गई और बोली, कैसा करिश्मा है कि रास्ते में तुमसे भेंट हो गई। सचमुच मैं तुम्हें हार्दिक धन्यवाद देती हूं। धन्यवाद किस बात पर? उसने पूछा। उस स्त्री ने उत्तर दिया, यह नहीं बता सकती, वह गुप्त बात है। तुम धीरे धीरे चलना ताकि बहुत से लोग तुम्हें आगे मिलेंगे। गांव जाने पर रहस्य का पता चला। एक व्यक्ति ने उससे कहा, आपके हाथ में या जो फूल है, फ्लावर है,
यह वास्तव में सौभाग्य का पुल है। लोगों को विश्वास है कि अगर जवान लोग इसे देख लें, तो उनके जीवन में प्यार का कहानी शुरू होता है। अगर बड़ी उम्र के लोग उसे देख लें, तो उनके जीवन में शांति और खुशी का आगमन होता है। यह पुल हर जगह पर हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आनंद लेकर आता है। कितना मधुर और उत्तम कथन मतलब इस पुल में छिपा हुआ है। कितना अच्छा संदेश है लेना और देना। सौभाग्य के फूल लेकर लोगों के पास जाना। धन्य है वह इंसान जो लोगों के जीवन में खुशियां बांटता है। हमारे लिए सौभाग्य का फूल यीशु क्रिस्त है। अब यीशु क्रिस्त को लेकर ये दोनों सिस्टर और फादर जाते हैं, खुशियां बांटते हैं। प्रभु यीशु अपनी इच्छा के अनुरूप मनुष्यों को बुलाहट देते हैं। 25 वर्षों तक पुरोहिताय जनसंघीय जीवन, पुरोहिताय जीवन में सौभाग्य के फूल प्रभु यीशु को घर घर ले जाना, निराशा मन में आशा जगाना, अशिक्षितों को शिक्षित करना और दुखी हृदयों में खुशियां बांटना आसान काम नहीं है। संत पौलुस कहते हैं, यह एक गुप्त रहस्य है, वर्षों से छिपा हुआ था, अभी प्रकट हुआ है। प्रत्येक पुरोहित या धन वाहन जो धर्म संघीय जीवन जीता है, इस रहस्य का एक अंग बन जाता है। चुगली मनाते हुए हमारे दोनों सिस्टर और पुरोहित भी संत पौलुस के समान सुसमाचार का सेवक बनाया गया, ताकि वह भी ईश्वर की भावी योजना में शामिल होकर ईश्वर के राज्य का विस्तार करें। वह इसलिए खुश नहीं है कि उसने 25 वर्षों तक ईश्वर और लोगों की सेवा की है, परंतु ईश्वर की महान कार्य में वह सहभागी बनी या बना है। ईश्वर की कृपा से उसने एक धार्मिक जीवन, पुरोहिताय जीवन, अवृत्तों, आज्ञाकारिता, निर्धनता और ब्रह्मचार्य जीवन अपना कर ईश्वर का संभव हुआ कार्य करने का प्रयत्न किया है। यह ध्यान देने योग्य है कि धार्मिक जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना नहीं, परंतु अपने आप को शुद्ध करना है। यह केवल सफलता की दौड़ नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जो हमारी आत्मा को ईश्वर की कृपा से मजबूत करता है। एक सच्चा धार्मिक या पुरोहिताय व्यक्ति की तरह वह भी इस कामना को पूरा करें, वह बढ़ता जाए, मैं घटता जावा, उस जोहान बपतिस्ता को याद करें। तोस्कानी जो एक महान ऑर्केस्ट्रा प्लेयर था, आयोजक था और संगीत आज्ञा थे, एक दिन वे धुन को तैयार करते हुए अपने सहयोगी कलाकारों से कहा, सज्जनों, मैं कुछ भी नहीं हूं और तुम भी कुछ भी नहीं हो, परंतु यह धुन ही सब कुछ है। क्योंकि वह जानता था कि उसका काम या उसके साथियों का काम दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उस धुन की कृतज्ञता पूर्व सब जगह पहुंचाना या सुनाना है। एक सच्चे धार्मिक या पुरोहित व्यक्ति होने के नाते हमें भी ख्रिस्त को चारों ओर चमकाना है, चाहे अलग अलग तरीकों से, शिक्षा के माध्यम से या गरीबों की सेवा के माध्यम से या सोशल वर्क के माध्यम से, अनेक रास्ते हैं, लेकिन उसका काम जो हमें दिया है उसी को हम लोग आगे करते हैं, बढ़ाते हैं। आज रजक जयंती मनाने वाले सिस्टर आंटी, सिस्टर मधु और हमारे पुरोहित फादर मोसेस, पंडित पुरोहित वर्षों तक
या धुन को गाया, आप दूसरों को सुनाया। क्रिस्त सर्वत्र दिखाने का काम उन्होंने किया। अतः हम ईश्वर को कृतज्ञता दिखाना और धन्यवाद देना उचित और आवश्यक है। आज सब मिलकर हम लोग प्रभु का गुणगान करें। प्रभु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर अच्छे फल उत्पन्न करो। यूहन्ना अध्याय 15 पद संख्या 16। धार्मिक जीवन में भी हमारे काम का बढ़ावा देने के लिए इस तत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि ईश्वर हमारी प्रतिक्रिया, हमारा आंसर होना चाहिए। हमारा आंसर के लिए ईश्वर इंतजार करते हैं। जिस तरह शुरुआत में सिस्टर लोगों ने आंसर किया, प्रतिक्रिया दिया उसका बुलाहट के लिए, फादर ने प्रतिक्रिया दिया उसका बुलाहट के लिए, वैसे हर एक व्यक्ति को ईश्वर बुलाहट देता है, इंतजार करता है। आज के सुसमाचार में हमें स्पष्ट बताया गया कि ईश्वर हमें सिर्फ फोन से नहीं बात करता। फोन लगा दिया, बटन दबाया तो बात हो गया, ऐसा नहीं है। ईश्वर हमें चुनता है पहले, अपने आप को, या दोनों सिस्टरों को, या फादर को फोन नहीं किया ईश्वर ने, उसने दोनों को चुना, या फादर को चुना, बुलाया और उसने प्रतिक्रिया दिया। इंतजार करने के बाद प्रतिक्रिया दिया, आंसर किया। उसने अपने लिए चुना है, दूसरों के लिए नहीं। सबसे पहले ईश्वर किसके लिए चुनता है? अपने लिए, खुद अपने लिए ईश्वर के लिए चुनता है। और वो बेटा, जाओ मेरा काम करो। और 25 साल से अपनी दुल्हन दुल्ही बनकर इन्होंने प्रभु की काम किया और प्रभु इनके जीवन में कृपा बरसाते रहे। आज हम लोगों को या हम सबों को याद करने की कुछ बात है। पहला, यीशु ने आपको खुशी के लिए चुना है। प्रभु कहते हैं 15 अध्याय पद संख्या 11, मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा कि तुम मेरे आनंद में भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। इसका अर्थ है कि आप जिस रास्ते से चलते आए हैं वह आनंद और या खुशी का रास्ता है, क्योंकि मसीह का मार्ग आनंद का मार्ग है, या कलवारी से आगे जीत की ओर ले जाता है। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं ईश्वर को धन्यवाद देने, आप दोनों सिस्टर और फादर को भी धन्यवाद देने। 25 सालों की सेवा के लिए जिस तरह प्रभु ने प्यार से क्रूस को ढोया था, उसी तरह अपने जीवन में इन दोनों ने और फादर ने भी 25 साल तक क्रूस ढोया है, लेकिन यीशु ने उनका क्रूस ढोकर हल्का किया है। इसलिए आज जो आपके चेहरे पर मुस्कान दिख रहा है, यीशु आपके साथ वर्षों से आपका क्रूस ढो रहे हैं, लेकिन आपको एक छोटा सा क्रूस दिया है उसने ढोने के लिए, वहां है रजत क्रूस। दूसरी बात याद करने के लिए है, यीशु ने आपको प्यार करने के लिए चुना है, दूसरे काम के लिए नहीं। सबसे पहले यीशु ने आपको प्यार करने के लिए चुना है। या मेरी आज्ञा है, यीशु का आपने 15 अध्याय पद संख्या 12, या मेरी आज्ञा है जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यीशु ने हमें कैसे प्यार किया है? पूर्ण रूप से, अंत तक, मरण तक आपका आदर्श वाक्य याद है, आपकी प्रार्थना से जीवन मिलता है, वह प्रेम है। और जो आप प्रभु में निवेश करते हैं वह आपका काम है। कितने वर्षों से आपने निवेश किया है, इसका मतलब वह प्यार है यीशु के लिए। किसके साथ आप अपना काम करते हैं, खासकर दूसरों की सेवा करना यह शामिल है। तीसरी बात आपको याद करना है, उसने आपको अपना दोस्त और साथी बनाया है।
प्रभु का मैं आपको सेवक नहीं कहता, क्योंकि सेवक नहीं जानता उसकी उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने आपको दोस्त बुलाया है, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बताया है जो मैंने सुना। यीशु आपको एक दोस्ती का दर्जा देता है। 25 वर्षों से आपके साथ दोस्ती की है प्रभु ने, जरूरत पड़ने पर आपको सहायता प्रदान की है, दुख के समय आपके साथ में रहे, सांत्वना देते रहे, कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। उसने अपना दिल आपके लिए खोल दिया। 15 अध्याय पद संख्या 15 में यीशु कहते, मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया। आपने यीशु के साथ साझेदारी स्वीकार करते हुए यीशु के साथ महान कार्य करने की भूमिका निभाई है। अब चौथी बात आपको याद रखना है, यीशु को अपनी दुल्हन बनने के लिए चुना है, और इसलिए आप वह आपका वादा पूरा करता है कि जो कुछ भी उसके नाम से पिता से आप पूछेंगे तो वह तुम्हें प्रदान करेगा। दुल्हन के कारण आपको प्रभु से विशेष अधिकार है, और वह अधिकार आपको प्रभु ने दिया। उनके मन की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने से आपको जरूर जो कुछ आप मांगेंगे मिल जाएगा। प्यारे सिस्टर्स और फादर, ईश्वर ने आपको चुना और 25 वर्षों से आपकी वफादार दुल्हन दुल्ही बनने के लिए बुलाया। उसने आपके जीवन में खुशी और आनंद और प्यार से भर दिया। कभी कभी दुख कष्ट भी आए होंगे, निराशा के दिन भी आए होंगे, अकेलापन भी आया होगा, लेकिन सबके साथ यीशु ने आपको नहीं छोड़ा। यीशु एक सच्चा मित्र के रूप में आपके साथ रहे, कभी उसने अपना साथ नहीं छोड़ा। आज संत पौलुस की बातें याद करें। संत पौलुस कहते हैं, अभी किस बात की चिंता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता संत पौलुस के अनुसार एक पाप का रास्ता है। जो चिंता करता है वह पाप में गिर जाता है। तो इसलिए चिंता से हम लोग बर्बाद हो जाते हैं। क्या आपके जीवन में बड़ी चिंता है? मन की शांति एक ऐसी चीज है जो हम सभी चाहते हैं। हम सभी आराम करना चाहते हैं, परेशान नहीं होना चाहते। जीवन, परिवार, दोस्तों, काम, चर्च, शौक, मनोरंजन आदि का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र महसूस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं अब खुद का आनंद ले और बोझ ना बने। चिंताएं जो हमारे शक्ति, जीवन और उद्देश्य को लूटती है। अगर हम सही मायने में ईसा मसीह के सेवक है और उनका आज्ञाकारी है, तो हम भरोसा कर सकते हैं कि हमारे जीवन के निर्णय, दिशाएं और परिणाम ईश्वर द्वारा संभाले जा रहे हैं। हमें अपने जीवन के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसके बदले ईश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है कि ईश्वर हमारे भीतर और पर्दे के पीछे पीछे से काम कर रहे हैं। आज के पहले पाठ में यह स्पष्ट लिखा है, ईश्वर ने आपको चुना है। आपके द्वारा ईश्वर को सब के सब जान जाएंगे, वे उसकी महिमा गाएंगे। आपके मध्यस्थ द्वारा ईश्वर महान कार्य करेंगे। प्रभु ने आपको मोक्ष का वस्त्र पहनाया है, आपको धार्मिकता का माला पहनाया है, आपको ईश्वर के मोक्ष और धार्मिकता दिया है। यही सेवा, आनंद और सभी उत्साहों की बहाली का कारण है। ये कपड़े आपकी प्रकृति को दर्शाती है, आपकी धार्मिकता भूमि को दिखाएगी। जान ईश्वर के लिए भूमि पर आपकी सेवा है। आपको खुशी से और उम्मीद के साथ जीने के लिए हर तरह के बंधन से मुक्त किया है। उसने अपनी आत्मा से आपको अभिषेक किया है। पुरोहितों को एक खुशखबरी घोषणा के लिए एक राज्य बनाया है।
ईश्वर का संदेश की घोषणा के लिए ईश्वर अपनी आत्मा प्रदान करता है। आज संत पौल कहते हैं, वह हमको चाहता है कि हम हर्षित मन से प्रभु की सेवा करें, मतलब हम हर्षित हो, दूसरा कोमल हो, तीसरा वह हमसे अनुरोध करता है हम सब विचारशील हो। आज आपने प्रभु का आनंद 25 वर्षों से दूसरों को बांटा, अपने जो ये गहरा आनंद जो प्रभु के साथ आधारित था दूसरों को दिया, आपने ये कोमल निस्वार विनम्र और दयालु का उदाहरण दूसरों को दिया है। प्रार्थना में हमारी सारी चिंताएं प्रभु पर छोड़ देने से प्रभु इसके बदले आंतरिक शांति, संतोष और आश्वासन देता है। विचारशील बने संत पौलुस के अंतिम शब्द जो हमें जीवन में मार्गदर्शन कर सकते हैं, आनंदित हो, कोमल रहो, प्रार्थनाशील बनो और विचारशील बनो। तो भाई और बहनों, आइए आज हम लोग कुछ क्षण मौन रहकर हमारे पल्ली हुए फादर मोसेस और दोनों सिस्टर आने और सिस्टर मधु, सबके लिए हम लोग के विशेष मतलब के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु यीशु को विशेष कृपा और आशीर्वाद से भर दें और एक लंबी उम्र उनके दे और सब तरह के दुख तकलीफ कठिनाइयों का सामना करने के लिए शक्ति दे और मन दे, दृढ़ संकल्प दे, ताकि प्रभु ईश्वर का साथ हमेशा जिस तरह 25 साल से लोगों के साथ में रहा, वैसा ही आगे के दिनों में प्रभु यीशु का साथ हमेशा इन लोगों के साथ में रहे और प्रभु यीशु पर विश्वास, भरोसा, प्रेम करने से प्रभु भी हमें प्रेम करता है, प्रभु हम पर विश्वास करता है, प्रभु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो आइए हम लोग मौका कर कुछ क्षण के लिए प्रार्थना करें और हम लोग सब जा मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें और मैं सबों की ओर से दोनों सिस्टर और फादर को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मेरी प्रार्थना हमेशा आपके साथ रहेगा। अपनी कृपा बरसा, उनके रिश्तेदारों एवं
भाइयों को अच्छे स्वास्थ्य प्रदान कर, ताकि वे दिनों दिन आपके प्यार को पहचाने और आपकी महिमा गाने। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। प्यारे यीशु, आज हम सिस्टर आने और सिस्टर मधु के सुंदर जीवन दान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। उन्होंने 25 साल पहले विश्व की बुलाहट को स्वीकार किया और बहुत सारे जगह देश में अपना बहुमूल्य समय देकर अपना उत्तरदायित्व जिम्मेदारी पूर्वक निभाई है। आपके प्यार को दिल की गहराई से पहचाने हैं और दूसरों को सही रास्ता में चलने के लिए प्रेरित किए हैं। उनके अच्छे कामों एवं अच्छे वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। उनके सफल एवं सुखमय भावी जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हमारे देश के सभी नेताओं और शासकों के लिए प्रार्थना करें। हे पिता, तू उन्हें अपने पवित्र आत्मा के ज्ञान और विवेक से भर दे, ताकि वे ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से देशवासियों की सेवा कर सके और समाज तथा देश के उत्थान के लिए कार्य कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज हम यहाँ पर सभी विश्वासजनों के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे पंडित पुरोहित फादर मोसेस तथा फादर सचिन के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अपने पुरोहिताय जीवन को योग्य रीति से निभाएं एवं उन्हें पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दीजिए, ताकि वे आपके संदेश को लोगों तक पहुँचाने में आगे बढ़ते जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। पिता ईश्वर, हम हमारे परिवार तथा आस पड़ोस में रहने वाले सभी बीमार एवं वृद्ध लोगों के लिए तथा हताश निराश हुए लोगों के लिए और कोरोना महामारी से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करें। तू उन्हें अपने बल सामर्थ्य एवं धैर्य प्रदान कर, ताकि वे अपने दुख तकलीफ को तेरी महिमा के लिए धैर्यपूर्वक सह सकें। वे अपने दुख एवं निराशाजनक परिस्थिति में तेरी सांत्वना एवं धीरज को पा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। Thank you.
Oh,
हे प्रभु तुम वास्तव में पवित्र है, यहाँ उचित है कि तेरे सारे सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। उन सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशा भी दिन रात जनित मन बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे प्रभु हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, या तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं के आज्ञा से हम यूकारिस्ट का आज समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम खा इसे लो और उसमें से खाओ क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भारतीय भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम साथ इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है नवी और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तो मेरी स्मृति में याद किया करो। या है हमारे विश्वास का रहस्य, जब ये रोटी खाते हैं हम ये कटोरा पीते हैं, जब ये रोटी खाते हैं हम होते हैं धन्यवाद स्वरूप तुझे यहाँ जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं, अपने कलीसिया की बेंच पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है, तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही हमारी पवित्र आत्मा हमको इनके उपहार स्वरूप से चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम उनके वर धन्य योसेफ के धन्य प्रेरितों प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए, हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे दयालु पिता तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचना एक कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। हे प्रभु
उससे निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पीटर गोबियस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याचकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना दे। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वही पहुँचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। सुरक्षित रहे, हर उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे
जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्राइस्ट फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। प्रभु यीशु क्राइस्ट, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर ने अपनी कलीसिया के विश्वास को दृष्टि डाल और विकास रूप से शांति रता एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता और राज करता है। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम शांति अभिवादन कीजिए। समारोह के कृपापूर्ण अवसर पर
और सुंदरता को बढ़ाए। हम आप सबों के कठिन परिश्रम और प्यार के लिए सारे दर्शन धन्यवाद देते हैं। हम हमारे सहायक कर्मचारियों, खाना बनाने वालों को भी धन्यवाद देते हैं। उनके द्वारा तैयार स्वादिष्ट भोजन व्यवस्था और विभिन्न कार्यों के माध्यम हमारे खुशी को और चौगुनी बना दिया है, जो हमारे खुशियों की लहर में गोता लगाने जैसा है। अंत में हम सिस्टर किरण और सिस्टर जया को बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज के कार्यों में दोनों सिस्टम का महत्वपूर्ण कार्य रहा है। उन्होंने हर चीजों को सुचारू रूप से व्यवस्था किए और आज के हर एक कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह सब दोनों सिस्टम का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। हम आप सबों के किए हुए कार्यों के लिए आभारी हैं। हम प्रत्येक जन को यहाँ उपस्थित है या नहीं, सभी को आपके महान सहयोग, प्रार्थना और प्यार के लिए शुक्रिया। आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप सभी हमारे लिए प्रार्थना करना जारी रखें और हमेशा आप लोग अपने दैनिक प्रार्थनाओं में निश्चित रूप से याद कीजिएगा। हम धीरज भाई को भी सहृदय धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे इस समारोह के महत्वपूर्ण क्षणों में कैद कर जीवित रखने के लिए योगदान दिया है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और एक बार हम दोनों की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हे मेरे ईश्वर, जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे ही मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र का शरीर तथा रक्त ग्रहण किया है, जिसे तूने हमें रजत जयंती के उपलक्ष्य में प्रदान किया है। ऐसे कृपा कर कि हमारे ये भाई और बहने इस स्वर्गीय भोजन तथा तेज से नवस्फूर्ति पाए और तेरे मार्ग पर सफलता पूर्वक आगे बढ़ते जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु कृष्ण के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आत्मा के साथ भी। सिर झुकाकर आशीर्वाद ग्रहण करें। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों का उद्धार करके आपको दत्तक संतान बना लिया है, वही आप लोगों को आनंद का वरदान दे। ने आप लोगों को चिरस्थायी स्वतंत्रता दी है, वही आप लोगों को अनंत जीवन का उत्तराधिकारी बनाए। आप लोग बपतिस्मा के विश्वास द्वारा कृष्ण के साथ जी उठे, इसलिए इस पृथ्वी पर आदर्श जीवन मिलाकर उनके राज्य में सदा सर्वदा विराजे।
शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बने रहे। आप लोग विदा ले प्रभु के शांति में साथ रहे। हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। अभी तुरंत बाद ग्रुप फोटो ले लिया जाएगा। तो सबसे पहले राइट रेवरेंड फादर बिशप और अन्य फादरलैंड और जुबिलेरी, फिर उसके बाद राइट रेवरेंड फादर और दोनों कैबिनेट के सिस्टर गण और जुबिलेरी, फिर तीसरी बार में राइट रेवरेंड फादर बिशप के साथ जुबिलेरियन टीचर गण और जो बाहर से आए हैं। सबसे पहले राइट रेवरेंड फादर बिशप जुबिलेरियन एंड फादर गण।